Hello students, today I'll explain you chapter number 6, The Making of a Scientist, class 10th supplementary, chapter number 6. It's written by Robert W. Peterson. इस chapter के writer का नाम Robert W. Peterson है और chapter का नाम है The Making of Scientist. आइए देखते हैं इस chapter के बारे में क्या बताया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं before you read. इस पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें स्टोरी क्या है. रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सीरल स्कॉलर अवार्ड एंड द सेरिंग प्लग अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. जो रिचर्ड एब्राइट हैं जिन्हें सीरल अवार्ड मिला है, सेरिंग प्लग पुरस्कार मिला है बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए. मीन्स जो आणविक जीव विज्ञान है उसमें इन्होंने क्या किया है, स्कॉलर अवार्ड प्राप्त किया है. कौन सा? सेरिंग प्लग अवार्ड एंड दूसरा क्या है, जो मॉलिक्यूल इसके लिए प्लग पुरस्कार, सेरिंग प्लग पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है. इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाईज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. मीन्स ये तितलियों के लिए उसका जो आकर्षण था, जो फैसिनेशन था, उसने उसके लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया. मीन्स विज्ञान के संसार को ओपन कर दिया जहाँ से उसकी एंट्री विज्ञान में हो सकी. ठीक है, तो कुछ बटरफ्लाइज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिचर्ड एब्राइट ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उन्हें फेम मिली. ठीक है, At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. This is very important answer also. कि किस तरीके से उस बच्चे ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था. तो when his age was 22, means जब उसकी उम्र क्या थी, 22 साल थी. At the age of 22, a former scout of the ईयर मीन्स एक पूर्ववर्ती वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक था, स्काउट था ना, ने 22 वर्ष की उम्र में ही एक्साइटेड आश्चर्यचकित कर दिया था द साइंटिफिक वर्ल्ड पूरे विज्ञान की दुनिया को विद अ न्यू थ्योरी. जिसने एक नई थ्योरी दिया, एक नया सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम क्या था, ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि जो सेल हैं कैसे काम करते हैं. तो इसके बारे में उसने एक थ्योरी दिया व्हेन हिज एज वाज 22 ईयर्स. ओके, Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Richard H. Ebright था उसके कॉलेज के सहपाठी ने, जो उसका एक और दोस्त था जो उसके साथ ही पढ़ता था, ने इस सिद्धांत को क्या किया, विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी कार्यवाही नामक पत्रिका में दिया. ठीक है, Proceedings of the National Academy of Science मीन्स राष्ट्रीय अकादमी की कार्यवाहियां नामक पत्रिका में उसने इसको पब्लिश करवाया था, इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को. ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, मीन्स विज्ञान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कि इस पत्रिका ने किसी कॉलेज स्टूडेंट को के वर्क को इसमें पब्लिश किया हो, छापा हो. ये पहली बार ऐसी घटना घटी थी कि किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को, उसकी रिसर्च को, उसकी खोज को कि इस पत्रिका ने छापा हो, पब्लिश किया हो. तो ये फर्स्ट टाइम था. तो ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया काम ऐसी महत्वपूर्ण पत्रिका में छापा गया जो कॉलेज के छात्रों के द्वारा किया गया था ना. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, मीन्स कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क को पहली बार इसमें छापा गया था. इन स्पोर्ट्स, खेल की दुनिया में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही था कि जिस तरीके से खेल की दुनिया में ये ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी का चयन हो गया हो, और वो भी किस उम्र में, 15 साल की उम्र में. क्या कह रहा है फिर से देख लीजिए, एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम अब एट, और उसके बाद मीन्स 15 वर्ष की उम्र में उसका चयन कर लिया गया हो, वो भी किसके लिए, एक बड़े मैच के लिए कर लिया जाए ना.
एंड होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और पहली बार ही बैटिंग करने का समय भी उस खिलाड़ी को मिल जाए और उसके साथ में होम रन मिल जाए। होम रन का मतलब उसे अतिरिक्त अंक भी वो प्राप्त कर ले, मीन्स अच्छी बैटिंग भी कर ले। ये बिल्कुल वैसा ही था जिस तरीके से खेल की दुनिया में एक 15 साल के लड़के का चयन हो जाता है, क्रिकेट टीम में हो जाए और उसके साथ ही साथ वो अच्छे रन भी बना ले, तो बिल्कुल ये वैसा ही था। अतिरिक्त अंक, होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, मीन्स बैटिंग में अतिरिक्त अंक भी प्राप्त कर ले, कहने का मतलब है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ले। ठीक है, फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। लेकिन रिचर्ड के लिए, रिचर्ड एब्राइट के लिए उसकी विज्ञान तथा ये फर्स्ट टाइम था। जितनी उसकी अचीवमेंट हैं, जिसकी उसकी उपलब्धियां हैं, उन कड़ी की ये पहली कड़ी थी। ठीक है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, होम रन साइंस एंड अदर फील्ड दूसरे फील्ड से, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाईज, और ये इन सब की शुरुआत किससे हुई थी, बटरफ्लाई से हुई थी। कहने का मतलब ये है, कह रहा है राइटर, इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, में उसकी जो बहुत ढेर सारी उपलब्धियां हैं साइंस के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में, उसका ये पहला कदम था। ठीक है, और ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, बटरफ्लाई से स्टार्ट हुई थी। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पैसे देखते हैं हम लोग। An only child, Ebright grew up north of Reading. यहाँ पे जो रीडिंग वर्ड है, रीडिंग पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया में एक रीडिंग नामक प्लेस है जहाँ पर क्या हुआ था, Ebright बड़ा हुआ था। ठीक है, जहाँ पर उसका पालन पोषण हुआ था। एकमात्र बच्चा होने के कारण Ebright पेंसिल्वानिया के नॉर्थ में, मीन्स उत्तर में बड़ा हुआ था, जहाँ पर कौन सा प्लेस है, रीडिंग नामक प्लेस पे। There was not much I could do there. कह रहा है कि ही सेड आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से किसी फुटबॉल या बेसबॉल की टीम में नहीं खेल सकता था ना। देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर, मींस वहां कुछ ऐसा नहीं था जो मैं कर सकता। ही सेड, उसने कहा, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले, मैं निश्चित रूप से नहीं खेल सकता था, फुटबॉल नहीं खेल सकता था, बेसबॉल नहीं खेल सकता था एक टीम के साथ में, बट देयर वाज वन थिंग, लेकिन वहां एक ऐसी चीज थी, थिंग आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था, वो क्या था, कलेक्ट थिंग्स, कि मीन्स थिंग्स को कलेक्ट करना उसे बहुत अच्छा लगता था, तो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता था। सो ही डिड, इसलिए उसने इसे किया भी। एंड डिड ही एवर, और हमेशा करता रहा। एक बार फिर से देखिए इसको, सो ही डिड, इसलिए इसने वही किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा इसे करता रहा। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, जब वो किंडरगार्टन की कक्षा में था, मींस स्टार्टिंग में जब स्टडी उसकी स्टार्ट होती है। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार ऑल हिज एक्टिविटीज। तो जो एब्राइट है वो बटरफ्लाइज को वैसे ही कलेक्ट करता था, मीन्स दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठा किया, पूरी मेहनत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसने क्या किया, इस एक्टिविटी में इस एक्शन को किया और बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, और साथ में क्या कलेक्ट करता था, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बटरफ्लाइज के साथ साथ उसने और क्या कलेक्ट किया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो रॉक्स भी कलेक्ट करता था, फॉसिल्स भी कलेक्ट करता था, है ना, मीन्स एंड कॉइंस और सिक्के भी कलेक्ट करता था, पत्थर भी कलेक्ट करता, फॉसिल जीवाश्म भी कलेक्ट करता और सिक्के भी कलेक्ट करता था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और धीरे धीरे वो क्या हो गया था, एक खगोल शास्त्री भी बन गया था। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी क्या करता, रात भर तारों को देखते देखते उन्हें देखता ही रहता, और इस तरीके से वो खगोल शास्त्री भी हो गया था, एस्ट्रोनॉमर भी हो गया था। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. Means जब वो first class में था, प्रथम कक्षा से ही उसके अंदर क्या थी, कुशाग्र बुद्धि थी, कुशाग्र दिमाग था, और उत्सुकता भी थी, curiosity भी थी, along with a bright mind. Means bright mind के साथ साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा curiosity भी थी, उत्सुकता भी थी। He also had a mother, उसकी जो माँ थी, who encouraged his interest in learning, जो कि उसके सीखने में हमेशा उसे encourage करती रहती थी, उसका प्रोत्साहन करती रहती थी। She took him on trips, और उसे वो यात्राओं पर भी ले जाती थी, ट्रिप करवाती थी। Bought him telescope, उसे टेलीस्कोप खरीद कर दी थी, माइक्रोस्कोप दिया था खरीद के, कैमरा भी खरीद कर देती थी। माउंटिंग मटेरियल्स, और माउंटेनिंग करने के लिए मटेरियल्स भी उसे परचेज करके देती थी। एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे भी इक्विपमेंट्स उसे मिलते थे, दूसरी भी सुख सुविधाएं उसे खरीद कर वो देती थी।
एंड हेल्प हिम इन अ मेनी अदर वेज, और हर तरीके से उसे सीखने के लिए वो हेल्प करती थी कि किसी तरीके से वो अच्छा सीखे, और पूरा उनका प्रयास रहता था कि उसे बहुत अच्छा सिखा सकें। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल। उसके बाद क्या कह रही हैं, उसकी माँ बोल रही हैं कि मैं अकेली एक कंपेनियन थी, उसकी साथी थी जब तक कि उसका स्कूल नहीं स्टार्ट हो जाता है। जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं उसकी इकलौती दोस्त थी, इकलौती मित्र थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसकी माँ ने बताया। उसके बाद उसने क्या किया कि उसके कई दोस्तों को भी घर लेके आई। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग, मैं लाई होम घर फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके लिए उसके दोस्तों को भी घर लेके आई। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम सब इकट्ठा करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड ग्रेड में था, मीन्स क्लास थर्ड में था, उसके पापा की डेथ के बाद वही मेरी दुनिया था, मीन्स वही मेरा सब कुछ था। ठीक है। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, मीन्स वह और उसका बेटा लगभग प्रतिदिन शाम को भोजन की मेज पर इकट्ठा होते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कुछ करने के लिए काम नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए क्या करती, काम इकट्ठा करती, ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक वर्क नहीं, शारीरिक काम नहीं होता था, बट लर्निंग थिंग्स, बट कौन सी चीज़ें, मानसिक काम होता था, मीन्स माइंड वाला वर्क उसके लिए सर्च करती थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, ही लाइक्ड इट, और उसे ये पसंद भी करता था। ही वांटेड टू लर्न, और वो सीखना भी चाहता था, मीन्स उसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी सीखने की। जो भी माँ उसको सीखने के लिए वर्क प्रोवाइड कराती उसको बहुत अच्छे से सीख लेता, प्रिपेयर कर लेता। By the time he was in the second grade, अब वो किस क्लास में आ चुका है, वो सेकेंड क्लास में पहुंचा है, मीन्स सेकेंड क्लास में जब वो आता है, ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन सी फॉलोइंग बॉक्स, मीन्स कह रहा है कि जब ब्राइट सेकेंड ग्रेड में था, सेकेंड क्लास में था, तो उसने ढेर सारी मीन्स 25 टाइप्स की स्पीसीज, 25 स्पीसीज की बटरफ्लाइज उसने कलेक्ट कर लिया था, वो भी कहाँ से, अराउंड हिज होम टाउन, अपने होम टाउन के आसपास से। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, एक बॉक्स दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 25 टाइप्स की बटरफ्लाइज हैं, जिसको सेकेंड क्लास में, सेकेंड ग्रेड में ब्राइट ने क्या किया था, कलेक्ट किया था, और उसको यहाँ पर मेंशन भी किया है कि किस कौन सी बटरफ्लाई किस कैटेगरी थी, क्या नाम था, तो इन सभी को यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है, तो यू कैन रीड इट। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं यहाँ से। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. राइटर बोल रहा है कि कह रहा है कि उसने कहा शायद मेरी तितलियों की जो खोज थी, जो तितलियों को एकत्रित करने का जो सिलसिला चल रहा था, उसका अंत ही हो गया था लगभग। प्रोबेबली, शायद, जो वुड हैव बीन द एंड, अंत हो गया था लगभग, आप माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग, जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का काम वो करता था, इसे उसने कहा। बट देन, लेकिन तभी क्या होता है, माय मदर गॉट मी अ चिल्ड्रेंस बुक, तभी मेरी मम्मी एक चिल्ड्रेन बच्चों की बुक ला करके मुझे देती हैं पढ़ने वाली, कॉल द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, जिसका नाम क्या होता है कि जो सम्राट दशम की यात्राएं, ठीक है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क मीन सम्राट दशम की यात्राएं नाम की एक बुक वो ला करके मुझे देती हैं। दैट बुक, वो किताब, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल एशिया, है ना, और वो किताब बताती है कि सम्राट तितलियाँ किस तरीके से मध्य अमेरिका पहुँच गई, है ना, बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल एशिया, किस तरीके से मध्य अमेरिका पहुँच जाती हैं। द वर्ल्ड अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और इस सब चीज़ों ने, उस जिज्ञासा ने, उस संग्रहकर्ता के सामने विज्ञान की दुनिया को क्या कर दिया, खोल के रख दिया। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, जो उत्सुक यंग कलेक्टर है, जो थिंग्स को कलेक्ट करता था, इसके सामने इस बुक ने विज्ञान की दुनिया ही खोल कर रख दी। एट द एंड ऑफ द बुक, और बुक के एंड में, रीडर्स वर इन्वाइटेड,
जो पाठकों को आमंत्रित किया गया था कि टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कि तितलियों के प्रव्रजन के अध्ययन में वो क्या करें, हेल्प भी करें, सहायता करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो कनाडा। मीन्स कनाडा में कनाडा के टोरेंटो में जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रीडरिक ए अर्कहार्ट थे, उन्होंने लोगों को इनवाइट किया था और बोला था कि आप लोग उन पर सर्च करिए, हेल्प करिए और उनको टैग भी करिए, बटरफ्लाइज को टैग करिए, ठीक है। तो कनाडा, एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट एंड सोन एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एथिसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। और फिर इसके बाद, ये पढ़ने के बाद, एब्राइट की मदर ने डॉक्टर अर्कहार्ट को क्या किया, एक लेटर लिखा और उसमें शीघ्र बताया कि सून ए ब्राइट वॉज अटैचिंग, कि सू जल्दी ही ए ब्राइट इसको अटैच करेगा, लाइट एथिस्यू हल्के से गोंद से टैग करेगा टू द विंग्स, पंखों पर ऑफ मोनार्क, जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनको टैग करेगा और उन पर उन्हें सेंड करेगा। एनी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज ऑस टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। और जिस किसी को भी टैग की हुई बटरफ्लाई मिले तो वो किसके पास भेज दे, डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दे। मीन्स ये पढ़ने के बाद उसने वो काम, उस काम को तुरंत स्टार्ट कर दिया जो डॉक्टर अर्कहार्ट ने बोला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हु वाज डॉक्टर अर्कहार्ट, जिनका फुल नेम क्या है, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, जो कि कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के क्या थे, प्रोफेसर थे, जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, जो लोगों को भी बोले कि इस रिसर्च में वो लोग भी क्या करें, हेल्प करें, ठीक है। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट पैसेज। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। यहाँ पे राइटर बता रहा है कि जो रीडिंग नामक जगह के आसपास जो तितलियों को पकड़ने का समय है वो गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह तक चलता। मीन्स गर्मियों के अंत में जो अंत के जो 6 सप्ताह होते थे वो रीडिंग के आसपास उस तितलियों को क्या करता था, पकड़ता था। सी ग्राफ बिलो। ये यहाँ पर ग्राफ भी दिया हुआ, यहाँ से इसको समझा जा सकता है। If you are going to chase them one by one, ये तुम एक एक तितली को पकड़ने के लिए जाते हो, you will not catch very many, तो तुम बहुत ज़्यादा तितलियाँ नहीं पकड़ पाओगे। So the next step for a bride, इसलिए ब्राइड के लिए जो अगला कदम था, was to raise a flock of butterflies, कि वो किसके पीछे भागे, किसको पकड़े, एक तितलियों के समूह पर अटैक करे पकड़ने के लिए। He would catch a female monarch, और वो फीमेल मोनार्क को पकड़ता था, मीन्स जो बटरफ्लाइज फीमेल थी उन्हें वो पकड़ता था। टेक हर एग्स, फिर उनसे अंडे लेता, अंडे उनके लेता था। And raise them in his basement through their life cycle, और फिर उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अपने बेसमेंट में ले जा करके उन्हें रखता था। From egg to caterpillar, फिर एक से क्या मिलता, caterpillar, and caterpillar से pupa to adult butterfly, और उसे क्या बन जाती, adult butterfly निकलती। मींस इस तरीके से सबसे पहले वो क्या करता, अंडे लेता, और अंडे से क्या बनता, caterpillar, caterpillar से प्यूपा था, प्यूपा से एक वयस्क तितली बन जाती। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, और उसके बाद उसे क्या करता, वो टैग करता उसके विंग्स पर एंड लेट देम गो, और फिर उन्हें छोड़ देता था। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो हजारों मोनार्क बटरफ्लाईज का घर रहा था, और जिसमें जिसमें वो मोनार्क जो बटरफ्लाईज हैं डिफरेंट स्टेज में डेवलप हो रही थी, विकसित हो रही थी। मींस कई तरीके से वहां पर कई स्टेज की बटरफ्लाईज थी जो वहां पर रह रही थी और उनका अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा था। ओके, चलिए, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था, मोनार्क कितनी होती, किस तरीके की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इवेंचुअली आई बिगैन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, लेकिन फिर होता क्या है, अंततः धीरे धीरे आखिरकार जो उसकी तितलियों का पकड़ने का जो टैग करने का इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। बिगैन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, उसका रीज़न क्या था। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि why did he lose interest in tagging butterflies, कि बटरफ्लाइज को टैग करने में उसका इंटरेस्ट क्यों लॉस हो जाता है।
हो गया था, तो इसको आप समझिएगा पैसेज को। इट इज टेडियस, और ये कैसा था, बहुत उबाऊ था, बेकार कार्य था, एनर्जी वेस्ट था। देर इज नॉट मच फीडबैक, क्योंकि उसका आउटपुट नहीं मिलता था, रिजल्ट नहीं मिलता था। एब्राइड सेड, एब्राइड ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, इस समय जो कुछ मैंने किया। ही लाफ्ड, वो हंसते हुए बता रहा है कि ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग वर रिकैप्चर, कि अब तक जितनी मैंने बटरफ्लाइज को टैग किया था उसमें केवल दो ही पकड़ी गई, ठीक है। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव, और वो भी 75 किलोमीटर से दूर भी नहीं पहुंच पाई जहां पे मैं रहता हूं, मीन जहां पर मेरा निवास है उसके 75 किलोमीटर के अंदर ही वो दोनों तितलियां पकड़ी गई। तो इसलिए उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इसको छोड़ देना चाहता था। Then the seventh grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. लेकिन तभी क्या होता है, फिर जब वो सेवेंथ क्लास में होता है तभी उसको वास्तविक साइंस के बारे में पता चलता है, जब उसने कहाँ इंटर किया, एक विज्ञान मेले में उसने जब भाग लिया, काउंटी साइंस फेयर में जब उसने पार्टिसिपेट किया तब उसे पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है, ठीक है। एंड लॉस्ट, और वहाँ जाकर वो खो गया। अब खोने का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जाके खो गया, ये मतलब है कि वो उन सब चीज़ों को देखते देखते खो गया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, और उसके मन में वास्तव में एक बहुत ही सैड फीलिंग चल रही थी, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा वो डीपली उदास हो गया था। टू सिट देयर, वहाँ बैठ करके, एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबॉडी एल्स हैड ओन समथिंग, कि वो कुछ भी नहीं था उसके पास करने को, जबकि कुछ और सभी लोग, एवरीबॉडी एल्स हैड ओन समथिंग, कोई सभी लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ जीत रहे थे। एब्राइट से एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ रॉक टिश्यूज, ना एब्राइट ने कहा वो मेले में उसने मेढक के तंतुओं को स्लाइड पर माइक्रोस्कोप के माध्यम से, माइक्रोस्कोप पर क्या किया था, दिखाया था, शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, और उसने ये भी महसूस किया कि जो विजेता हैं यहाँ के वो वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, कोई एक साधारण ऐसे दिखावे के लिए ये काम नहीं हो रहा था, वो सभी लोग क्या कर रहे थे, वास्तविक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपेयरिंग, पहले से ही जो कॉम्पिटिटिव लड़का था उसके अंदर की जो स्पिरिट थी, सोल थी, वो फिर से वो सब फीलिंग्स एब्राइट की क्या हो गई, बाहर निकल कर आ गई, दिखने लगी थी। आई न्यू, मैं जान गया था, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड, उसने कहा अगले साल आने वाले अगले मेले में मुझे भी एक वास्तविक प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा, उसने डिटरमाइन कर लिया था। द सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर हम करेंगे, आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और जिसके बारे में वो पहले से उस विषय के बारे में जानता था वो था कीटों पर प्रयोग, ना जो कि वो पिछले 7 वर्षों से उसके बारे में स्टडी कर रहा था, ठीक है। सो ही रोट डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा। And back came to stack of suggestions for experiments, और उनके पास सुझावों का एक ढेर आ गया, ठीक है, तुरंत एक्सपेरिमेंट्स के लिए। दोस्त के एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, जिन चीज़ों ने एब्राइट को काफ़ी बिजी रखा हाई स्कूल के दौरान, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंसेस फेयर, और साथ ही में क्या किया कि उसने उसको व्यस्त रखा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में उसको इनाम की तरफ भी ले गया, मीन्स उन सुझावों के माध्यम से काफ़ी उसे हेल्प मिली, ठीक है। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, ठीक है। जब वो 8th ग्रेड में था उसने एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया, कोशिश किया वो पता लगाने की कि आखिर वो रीज़न क्या है, कॉज क्या है, जो वायरल डिजीज होने का कॉज क्या है, जिस जो क्या करता है, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में जो मोनार्क कैटरपिलर को लोग क्या करता है, मार देते हैं, आखिर वो कौन सा डिजीज है, कौन सा रोग है, इसको पता लगाने की उसने कोशिश की। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल, अब उसके माइंड में विचार आया, उसने सोचा कि ये जो डिजीज है इसका रीजन हो सकता है ये बीटल के द्वारा, मीन्स भौरे के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, कुछ ऐसा उसने ये सोच लिया कि जो ये बीमारी है बीटल से फैलती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, फिर उसने कोशिश किया कि कैटरपिलर्स को किसके साथ रखें, बीटल्स के साथ, उसने सोचा कि कीटों को जो है उनको पालने की कोशिश किया कि एक साथ रखें। आई डिडेंट गेट एनी
रियल रिजल्ट, लेकिन उसे कोई भी वास्तविक परिणाम नहीं मिला, उस ही से उसने कहा, बट आई वेंट अहेड, पर मैं आगे बढ़ता गया, एंड शोड, और दिखाया कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, जो कुछ मैंने कोशिश किया था प्रयोग करने की, दिस टाइम आई वन, और इस बार मैं जीत गया। मीन्स उसने उस बात को बाद में प्रूव करके दिखा दिया कि जो कुछ मैंने कोशिश किया था वो क्या था, सही था। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। The next year, his science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarchs. अगले साल का जो उसका project था science fair में, वो ये साबित करना था कि जो Viceroy butterflies होती हैं वो monarch की copy करती हैं, monarch butterflies की नकल करती हैं. The theory was that Viceroy look like monarch because monarchs don't taste good to birds. तो Viceroy look like कोशिश करती हैं monarch जैसे दिखने की, क्योंकि monarch जो है पक्षी उसको खाते नहीं हैं, पक्षियों को मोनार्क का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वायसराय बटरफ्लाइज जो हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरीके से होने की कॉपी करती हैं। इस बात को उसने प्रूव करने की कोशिश किया, ठीक है, टेस्ट गुड टू वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और जबकि वायसराय जो बटरफ्लाइज हैं वो बर्ड पक्षियों को खाने में अच्छी लगती हैं, तो वायसराय को कीट और अदर पक्षी क्या करते हैं, खा जाते हैं, इसलिए वायसराय जो हैं कोशिश करती हैं कि मोनार्क जैसे हम लोग दिखें ताकि हम भी किसी का भोजन ना बने। सो द मोर दे लुक लाइक मोन, इसीलिए वो मोनार्क जैसे दिखने की कोशिश करती हैं, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, ताकि वो क्या कर सकें, कम से कम पक्षियों का डिनर बन सकें। तो ये रीज़न था। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो वायसराय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरीके से क्यों दिखना चाहती हैं, क्यों दिखती हैं, क्योंकि बर्ड्स जो वायसराय बर्ड्स बटरफ्लाइज हैं इनको क्या करते हैं, बर्ड्स खा लेते हैं, इनका टेस्ट अच्छा है, बट मोनार्क को वो लोग नहीं खाती हैं, इसीलिए वो कोशिश करती हैं कि मोनार्क की तरीके से दिखें ताकि पक्षियों का कम से कम हम डिनर बने। ओके, Albright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. अब जो Albright का project था वो देखना था कि पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं क्या, ना? वो ऐसा सोच रहा था, उसने पाया, he found that a starling would not eat ordinary bird, और उसने पाया कि जो एक साधारण पक्षी है, जो मैना पक्षी है, साधारण भोजन नहीं करती, ordinary food, it would eat all the monarchs it कुड कैट, और क्या कह रही है कि वो इन सभी मोनार्क तितलियों को खा जाएगी जो उसे मिलेंगी, वो भी खा जाएगी। Albright said later search by other people showed that Viceroy probably to copy the monarch, और बाद में लोगों ने भी, उसने जैसा कहा था, Albright ने जैसा बताया था कि दूसरे लोगों के बाद में भी खोजों ने ये बताया कि जो वायसराय तितलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, मोनार्क की कॉपी करती हैं। Albright से लेटर रिसर्च ऑफ बाय अदर पीपल शोड, कि दूसरे लोगों के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसमें भी पता चला दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, कि वायसराय जो तितलियाँ हैं वो क्या करती हैं, मोनार्क तितलियों की नकल अवश्य उतारती हैं। This project was placed first in the zoology. और इस project को प्राणिशास्त्र विज्ञान में पहला स्थान मिला, ना, zoology division, and third overall in the county science fair. और पूरे मेले में, county fair मेले में तीसरा स्थान उसे प्राप्त हुआ था। Means इतना ज़्यादा उसने मेहनत किया था, और ये प्रूफ करने के जब उसने किया तो उसके एक्सपेरिमेंट को जियोलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्लेस मिलता है और पूरे काउंटी फेयर में उसे थर्ड पोजीशन मिलती है, ठीक है। In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब जो सबसे important theory है उसकी, उस पर उसने काम start किया, क्योंकि in his second year, अगले वर्ष in high school, जब high school के दूसरे वर्ष में Richard Albright ने एक अनुसंधान शुरू किया, एक खोज शुरू किया, research शुरू किया, जो उसको एक अनजाने कीट के हार्मोन की ओर ले गया, है ना, डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट, एक अनजाने इंसेक्ट के हार्मोन की तरफ उसे लेकर गई। इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में, इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी, और ये खोज उसको एक नई थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, मीन्स कोशिका के जीवन की तरफ ले गया। मीन्स ये खोज जब कर रहा था तो इस खोज ने इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से उसे कहाँ लेकर चला गया, उसे कोशिका के जीवन की तरफ लेकर चला गया खोज करते हुए। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल,
जिस प्रश्न का जवाब ढूंढने की उसको कोशिश थी वो बहुत सरल था। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, वट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसने क्या कोशिश किया कि एक जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे का क्या उद्देश्य है, उसने इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश किया था। ठीक है, तो एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, सभी ने तो मान लिया था कि धब्बे सिर्फ दिखावटी हैं। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया कि सिर्फ दिखावी हैं। ब्राइट सेड ब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर अर्कहार्ट है उन्होंने बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने ये बताया, उनके अंदर डाउट था कि ऐसा सिर्फ नहीं हो सकता है, ये दिखावा नहीं हो सकता है। ठीक है, टू फाइंड द आंसर ए ब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शो दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट को, इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए ए ब्राइट और उसके दूसरे जो छात्र थे जो साइंस और उसके क्लासमेट्स थे, उन्होंने क्या किया, एक यंत्र का को विकसित करना पड़ा। फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, एक यंत्र विकसित किया उन लोगों ने, दैट शोड, जो दिखाता है कि दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग, जो धब्बे एक हार्मोन तैयार कर रहे हैं, हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, क्योंकि तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक थे ना, ऐसे ही नहीं थे, कहीं ना कहीं से बटरफ्लाइज के पूर्ण विकास के लिए वो जो धब्बे हैं वो बहुत ही आवश्यक थे। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट ओन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, इस बार इस प्रोजेक्ट को काउंटी फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला, फर्स्ट गिफ्ट, फर्स्ट इनाम उसे प्राप्त हुआ। एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उसे कहाँ स्थान दिलाया, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग मेले में भी उसे इस चीज ने प्रवेश दिलाया। देयर ही ओन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, जहाँ पर उसने तीसरा स्थान जीता था जियोलॉजी के क्षेत्र में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द इंटोमोलॉजी, और साथ ही साथ में क्या होता है कि गर्मियों में उसे क्या मिलता है, लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, मींस गर्मियों में उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में एंटोमोलॉजी लैब में भी काम करने का मौका मिला। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में भी उसे काम करने को मौका मिला। ठीक है, ड्यूरिंग समर टाइम एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि एक हाई स्कूल कनिष्ठ के रूप में, ठीक है, रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपना जो कार्य है, अपना जो प्रयोग, अग्रिम प्रयोगों को जारी रखा मोनार्क प्यूपा पर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस साल भी क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम मेले में उसके इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान जीता, एक्सपीरियंस ऑन द मोनार्क साइंस फेयर, एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उसे साथ ही साथ में एक चांस मिला कि गर्मियों के दौरान उस सेना की प्रयोगशाला में काम करने का भी उसे मौका मिला। ठीक है, साइंस फेयर एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, मींस गर्मी के दौरान उसे आर्मी की लेबोरेटरी में भी काम करने को टाइम मिला था। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, अब होता क्या है कि अपने वरिष्ठ वर्ष में, बड़ी कक्षा में वो एक कदम और आगे बढ़ गया, मींस वो आगे कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। ही वेंट अ स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और फिर उसने क्या प्रूव किया, यहाँ पर हमें अच्छे से समझना होगा कि वो आगे बढ़ा और उसे मोनार्क तितली के पंख से कोशिकाओं को उगाया। ही ग्रू, उसने उगाया सेल्स, कोशिकाओं को, फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, किसके, मोनार्क के पंखों से, जो मोनार्क तितलियां हैं उनके पंखों से उसने सेल्स को ग्रो किया, उगाया, कोशिकाओं को उगाया। एंड विंग इन अ कल्चर एंड शोड, और दिखाया दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप, ये जो कोशिकाएं हैं विभाजित हो जाती हैं, है ना, एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और वो सामान्य तितली के पंख में विकसित हो जाती हैं। विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और साथ में पर सिर्फ तब भी जब उन्हें उन सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन मिले हों। तो ये बात उसने प्रूव किया, ठीक है, कि दैट प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और फिर इस प्रोजेक्ट ने क्या किया,
ओन उसे जीत दिलाई, पहला स्थान दिलाया, वो भी कहा जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर भी में भी उसे क्या हुआ, पहला स्थान उसके इस प्रोजेक्ट को मिला। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना होगा कि उसने क्या किया। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग से उसने क्या किया, सेल को उगाया, ठीक है, ग्रीव किया, कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि जो कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं वो जो सामान्य तितली के पंख में विकसित हो जाती हैं, ये चीज समझिएगा। और फिर सिर्फ तभी होता है उन्हें वह कि जब उन सुनहरे धब्बों से मिलने वाले जो हार्मोन उन्हें जब मिले होते हैं तभी ये कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क। अब फिर उसने क्या किया, जो समर वेकेशन आगे पढ़ती है उसमें ग्रेजुएशन के दौरान वो अपना आगे का कार्य कंटिन्यू रखता है। एट द आर्मी लेबोरेटरी, एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स यूएस जो अमेरिका में कृषि विभाग की प्रयोगशाला जो है वहां पर उसने अपना काम करते हुए वो समय व्यतीत करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द फॉलोइंग समर, आगे आने वाली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। अब क्या होता है कि अगली गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के बाद ब्राइट क्या करता है, वहां से वापस चला जाता है, उसी कृषि विभाग की प्रयोगशाला में गया और वहां पर सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन के ऊपर और अधिक उसने कार्य किया। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क, और अधिक कार्य किया ऑन द हार्मोन, उन हार्मोन पर, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट जो सुनहरे धब्बों से मिले थे। यूजिंग द लेबोरेटरी स्पोस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिटी द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और प्रयोगशाला के जो उच्च स्तरीय उपकरण थे उनका प्रयोग करके वह हार्मोन के रासायनिक ढांचे को पहचानने में क्या हो गया था, कामयाब हो गया था। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, वो एबल हो गया था आइडेंटिफाई करने के लिए द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, मीन जो रासायनिक ढांचे को पहचानने में वो कामयाब हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, लगभग 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग द जूनियर ईयर, अपने कनिष्ठ वर्ष के रूप में, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एब्राइट को कोशिका जीवन का अपना नया सिद्धांत मिला। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन आप लोग करिएगा। ये विचार उसको तब मिला जब वो एक हार्मोन के रासायनिक ढांचे के एक्सरे को देख रहा था, ना एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। तो ये उसे कब मिलता है, जब कोशिका उस जब वो क्या कर रहा था, एक एक्सरे को, एक्सरे के फोटो को देख रहा था, हार्मोन के रासायनिक ढांचे के एक्सरे को देख रहा था। वन ही सा दोज फोटो, जब उसने उस फोटो को देखा, एक्सरे फोटोज को देखकर, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट चिल्लाया नहीं, है ना, यूरेका मीन्स खुशी से उछला नहीं, ठीक है, आर इवन आई हैव गॉट इट, और ये भी, और ये समझ गया वो, परंतु उसे विश्वास हो गया कि उसे कीटों के हारमोनियों की खोज जो है उसे मिल गई। बट ही बिलीव्ड, उसे विश्वास भी होगा, दैट अलॉन्ग विद हीज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हारमोन्स, कि हार्मोन की जो खोजों के साथ साथ उन तस्वीरों ने जीव विज्ञान के अभूत पहेली का जवाब दे दिया था, उसे मिल गया था, वो समझ गया था। द फोटोज गेव हिम द आंसर द बायोलॉजीज पजल, जो बायोलॉजी की सबसे बड़ी परेशानी थी, जो गुत्थी थी अभी तक बनी हुई थी, उन सब चीज़ों का सोल्यूशन उसे उस फोटोज़ के माध्यम से मिल गया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स DNA, कि कैसे एक कोशिका अपने DNA के ब्लू प्रिंट को पढ़ लेती है, ये सोल्यूशन उसे मिल गया था। DNA इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। DNA किसी भी कोशिका की नाभि का एक पदार्थ होता है जो वंशक्रम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और जो वंशक्रम को नियंत्रित करता है, कोशिका के रूप में क्रियाकलाप को भी तय करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ये सेल के फंक्शन को भी नियंत्रित करता है। दस इस प्रकार DNA इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ, और इस प्रकार से DNA जो है जीवन का ब्लू प्रिंट है। तो ये बात उसे तब समझ में आई जब एक दिन वो क्या कर रहा था, फोटोज देख रहा था, एक्सरे देख रहा था, ठीक है, कि जो रासायनिक ढांचा था, हार्मोन के रासायनिक ढांचे का जब एक्सरे देख रहा था तभी उसे ये सब चीज़ें कंफर्म हो गई थी। ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट जेम्स आर
worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Okay? Together, they later wrote the paper that explained the theory. क्या कह रहा है कि एब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी जेम्स आर वोंग ने क्या किया, सारी रात बिता दी क्या करते हुए, अणुओं की तस्वीर बनाने में, पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग द प्लास्टिक मॉडल्स और मोलिक्यूलर्स, तस्वीर बनाने में, प्लास्टिक के मॉडल बनाने में, ये दिखाने के लिए ऐसा ये कैसे हो सकता है, हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे हो सकता है, दिखाने के लिए वो लोग ये काम करते रहे. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में दोनों इकट्ठे लिख उन सिद्धांतों को का विवरण भी उन लोगों ने लिखा. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, ठीक है, जो उन्हें जानता था वो उसे देखकर सरप्राइज, नो वन हु न्यू हिम, उन्हें देखकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ था जो उस जो लोग उसे जानते थे. रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. क्या कह रहा है कि जो रिचर्ड एब्राइट है विश्वविद्यालय में सबसे बड़े सम्मान के साथ 1510 छात्रों की कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, सेकेंड स्थान प्राप्त किया, सेकेंड इन हिज क्लास, अपने स्कूल में सेकेंड पोजिशन भी प्राप्त किया, कितने बच्चों में से, 1510 स्टूडेंट्स में से. ठीक है, तो ये उसे जो जानने वाले थे कोई इस बात को सुनकर हैरान नहीं हुआ था. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. उसके बाद क्या होता है कि जो एब्राइट है बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्नातक छात्र के अनुसंधानकर्ता बन गए, मीन्स रिसर्चर बन जाते हैं. देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पर भी उन्होंने अपने सिद्धांत को परखने के लिए प्रयोग शुरू कर दिए. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. और क्या कह रहे हैं, यदि ये सिद्धांत सही साबित हो जाता है तो जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में एक बहुत अच्छा कदम होगा. It might also lead a new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि ये शायद नए विचारों को भी जन्म देगा, न कई प्रकार के कैंसर तथा दूसरी अन्य बीमारियों को भी इसके माध्यम से रोका जा सकेगा. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. ये सब चीज़ें जो पॉसिबल हो सकी थी वो क्या था, एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव है. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू अ पर्पस ऑफ द स्पॉट्स एंड मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. देखो उसका जो वो देखा था कि उसके ऊपर जो बटरफ्लाइज के ऊपर जो क्या बने हुए थे, मोनार पर जो प्यूपा था उसकी रिसर्च से लेकर के मीन्स मोनार प्यूपा के धब्बों पर किए गए उसके हाई स्कूल के अनुसंधान ही उसे कहाँ ले जाते हैं, कोशिका जीवन के सिद्धांत की तरफ ले गए थे. ठीक है, तो रिसर्च एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. रिसर्च जो रिचर्ड का जो विज्ञान में रुचि थी वो तब से थी जब से वो तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इतनी गहराई से नहीं कि वो दूसरी चीज़ों में वो भाग लेने का समय ना हो, ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ उसी में लगा रहता था. एब्राइट आल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर, वो बहुत अच्छा डिबेटर भी था, मीन्स वाक्पटुता उसमें बहुत अच्छी थी. एंड पब्लिक स्पीकर, एक बहुत अच्छा स्पीकर भी था. एंड गुड कैनरिस्ट, एक बहुत अच्छा नाविक भी था. एंड ऑल अराउंड आउट जॉयस पर्सन, मीन्स जिस तरीके से विशेष रूप से सभी लोग होते हैं उस तरीके के सारी क्वालिटीज़ भी उसके अंदर थी. He is also an expert photographer. देखो वो फोटोग्राफर भी था, अच्छा था, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. अक्सर वो क्या करता था, प्रकृति था विज्ञान की प्रदर्शनियों में फोटो भी खींचता था. ठीक है, इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, ही टर्न अ लॉट ऑफ इनर्जी. हाई स्कूल में रिचर्ड एक सीधा साधा विद्यार्थी था चूंकि बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना सरल था. ही टर्न अ लॉट ऑफ इनर्जी टुअर्ड द डिबेटिंग, उसने अपनी काफ़ी ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र क्लबों की वाद विवाद प्रतियोगिता में भी खर्च किया था. एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, कहाँ पर, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में डिबेटिंग में भी वो अपनी एनर्जी खत्म करता था. ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेयर ही सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स. क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी मिले उसे जिनकी वो उसने प्रशंसा भी की, जैसे एक नाम था रिचर्ड ए वेरर, ठीक है, जो उसके सोशल साइंस के टीचर थे
जो बहुत अच्छे थे, जो तथा दोनों क्लबों के वो क्या थे, सलाहकार भी थे। वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उस समय मेरे लिए वो बहुत परफेक्ट थे। हिस्ट्री टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब, जो दोनों क्लब हैं उनके वो सलाहकार भी थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उस समय मेरे लिए मिस्टर वेयर जो थे सबसे अच्छे सलाहकार थे, सबसे अच्छे पूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। ही ओपन माई माइंड, उन्होंने मेरा माइंड खोल दिया टू न्यू आइडियाज, नए विचारों के लिए, ए ब्राइट से ब्राइट ने कहा। मीन्स उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और तो इसलिए उनका बहुत वो सम्मान करता था। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा इफर्ट, रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करता था। मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर ने बताया कि वो हमेशा जितना काम दिया जाए उससे ज़्यादा काम करता था। वॉट प्लीज्ड मी वॉज, है ना, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती थी, ठीक है। हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। वो क्या करता था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो रात में 3 या 4 घंटे तक वाद विवाद करता था, वह शोध करता था अपनी तितलियों तथा अन्य कीटों पर किए जाने वाले शोध के साथ साथ। मीन्स इन सब टॉपिक पर वो रात में जब फ्री होता 3-4 घंटे तक वाद विवाद करता कि किस तरीके से आगे इसको बढ़ाना है, मतलब ढेर सारी ऐसी बातें वो करता रहता था, ठीक है। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव, रिचर्ड कैसा था, कम्पिटिटिव लड़का था, बहुत ही उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना रहती थी। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेरर ये सब बातें बताना जारी रखे, बट नॉट इन बैड सेंस, लेकिन एक बुरे रूप में नहीं, मीन्स वो हमेशा अच्छाई के लिए उसकी बात बोलते थे। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया कि रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड्स उससे टीचर ने ये भी बताया कि रिचर्ड्स इसलिए जीतने में रुचि नहीं लेता कि उसे जीतना है या फिर कोई इनाम जीतना है, बट विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज, वो इनाम जीतने के लिए ही सिर्फ नहीं जीतता था, नहीं मेहनत करता था, रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। इसके बजाय वो इसलिए जीतता था ताकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, ना, और सही मायने में वो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, इसलिए उसको जीतने हारने से कोई मतलब नहीं होता था, वो जीते या हारे बट वो अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था, इसलिए वो मेहनत करता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ना, और वैज्ञानिक बनने का एक महत्वपूर्ण कारण है स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, की पहली बात कुशाग्र बुद्धि से शुरुआत करना, ऐड क्यूरियोसिटी और उसमें जिज्ञासा को शामिल करना, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और फिर क्या करना, जीतने की इच्छा को मिलाना वो भी उचित कारणों के लिए। ए ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटी, और ये सारी क्वालिटीज ए ब्राइट में थी फ्रॉम द टाइम द बुक, और ये समय के साथ जो मोनार्क द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जो मोनार्क टेन नामक बुक थी उसने क्या कर दिया था, उसके लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए थे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और जो रिचर्ड एब्राइट है उन अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी भी उसने खोने नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, थैंक यू सो मच।